हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला और मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं वेजदम बिरयानी। बिरयानी बहुत ही फ्लेवरफुल और एरोमेटिक होती है। इसके हर बाइट में अलग अलग टेस्ट आता है, इसलिए इसे बनाने में थोड़ा समय भी ज़्यादा लगता है। लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये रेसिपी बताऊँगी, जिससे आप बहुत आसानी से बहुत ही बढ़िया बिरयानी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वेजदम बिरयानी बनाना। वेजदम बिरयानी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप बासमती चावल लिए हैं। चावलों को मैंने पानी में भिगो दिया था तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, और अब इसका पानी निकाल दिया है जिससे चावल अच्छे से फूल गए हैं। सब्जियों में हम एक बड़ी साइज का आलू लेंगे कटा हुआ, 1/4 कप या आधा कप बीन्स ले लेंगे, 7 से 8 फूल ले लेंगे गोभी के, मटर लेंगे आधा कप, 1 कटी हुई गाजर लेंगे। तो सब्जियां आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी ले सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पर 3 बड़े प्याज लिए हैं, जिसे पतली और लंबी स्लाइसेस में काटा है। तो हम इन्हें फ्राई करेंगे अच्छे से, या आप चाहें तो प्याज जो रेडीमेड आते हैं फ्राई किए हुए वो भी ले सकते हैं। साथ ही 1 बड़ा कटा हुआ प्याज मैंने अलग लिया है सब्जी पकाने के लिए, तो इसे मैंने एकदम बारीक काट लिया है। 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है, साथ ही लिए अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 छोटा चम्मच। खड़े मसालों में हम लेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, तो जीरे के अलावा बाकी खड़े मसाले हम डबल लेंगे। तो यहाँ 4 से 5 लौंग ले लिए हैं, यानी हम ये पानी में भी डालेंगे उबालते समय, और 2 स्टार एनाइस यानी चाकरी फूल, 2 छोटी इलायची स्लिट की हुई, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 1 थोड़ा छोटा लिया है, 1 थोड़ा बड़ा लिया है मैंने, 2 तेज पत्ते ले लिए हैं, 5 से 6 काली मिर्च ली है। तो ये थे खड़े मसाले। और मसाला पाउडर में हम लेंगे गरम मसाला 1 छोटा चम्मच, आप गरम मसाले की जगह बिरयानी मसाला का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही जीरा पाउडर लेंगे 1/2 छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर लेंगे 1/4 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर लेंगे 1 छोटा चम्मच, स्वाद अनुसार नमक लेंगे, लाल मिर्च पाउडर लेंगे 1 छोटा चम्मच, और यहाँ पर मैं पुदीने का पाउडर ले रही हूँ 1 छोटा चम्मच। आप चाहें तो इसकी जगह हरा पुदीना भी बारीक कटा हुआ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे पुदीने का फ्लेवर है वो बिरयानी में बहुत ज़्यादा आता है, जो बाकी फ्लेवर्स को आने नहीं देता है। इसलिए मैं यहाँ पर पुदीना पाउडर यूज़ करी हूँ, जिससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा नहीं आएगा और सारे फ्लेवर बरकरार रहेंगे। 6 से 7 बड़े चम्मच तेल ले लेंगे, 4 से 5 बड़े चम्मच घी का लेंगे। तो घी का इस्तेमाल करने से बिरयानी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, नहीं तो आप इसे पूरा तेल में भी बना सकते हैं। साथ में यहाँ पर कुछ केसर के धागों को मैंने 4 से 5 बड़े चम्मच दूध में भिगो के रखा है। बारीक कटी हुई धनिया पत्ती ले लेंगे 1/4 कप, और साथ ही दही लेंगे 3/4 कप। तो चलिए बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैन में पानी उबलने के लिए रख रखा है, पानी अच्छे से उबल गया है। अब सबसे पहले इसमें चावलों को डाल देंगे, हमें चावलों को बॉईल करना है। ध्यान रखिए हमें चावलों को 80% तक ही कुक करना है, इससे ज़्यादा कुक नहीं करना है इसे। अब इसके अंदर तेज पत्ता डाल देंगे, 4 एनाइस डाल देंगे, हरी इलायची डाल देंगे 1, दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, और साथ ही लौंग और काली मिर्च भी डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे ताकि चावल एक दूसरे के चिपके नहीं, तो मिला दें इसे, और अब हम इसे पका लेंगे। तो गैस का फ्लेम मीडियम रखते हुए हम इसे पकाएंगे, क्योंकि चावल सूखे हुए पानी में तो ये काफ़ी जल्दी पक जाते हैं, और चावलों को हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। तो अब चावल अच्छे से पक चुके हैं, तो हम इन्हें छान लेते हैं। तो यहाँ एक स्ट्रेनर ले लिया है मैंने, अब इसमें से छान लेते हैं चावल, ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए। आप देख सकते हैं चावल बहुत ही अच्छे से खिले खिले हो गए हैं और अच्छे से पक गए हैं। चावलों को ठंडे पानी में ना धोएं, नहीं तो इनके अंदर का जो फ्लेवर है वो निकल जाएगा। तो अब हम इन्हें अलग ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब दूसरी तरफ हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में डालेंगे तेल, तो 5-6 चम्मच तेल के डालें, यानी तेल हमें ज़्यादा ही लेना है क्योंकि हम इसमें प्याज को फ्राई करेंगे। तो तेल के गर्म होते ही अब ये प्याज ले लेंगे हम। अब प्याज को हम मीडियम फ्लेम रखते हुए फ्राई करेंगे, तो इससे पहले इसमें थोड़ा नमक डाल देते हैं, इससे प्याज बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएंगे, यानी जल्दी से पक जाएंगे। तो प्याज को आप लगातार चलाते हुए पकाएं, बहुत ज़्यादा यदि प्याज जल गए तो जो इनका खरांच है वो बिरयानी में आएगा, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि यदि प्याज ज़्यादा पक जाते हैं तो इनमें हल्का सा कड़वापन आ जाता है। तो ये प्याज अच्छे से लाइट ब्राउन कलर के हो गए हैं, तो अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। अच्छे से पक चुके हैं तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं, क्योंकि इन प्याज में बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल होता है। तो इस तरह हम पैन में ही प्याज को इस तरह साइड में करेंगे, तो इनके जो अंदर का तेल है वो निकल जाएगा। तो थोड़ी देर इन्हें ऐसे ही रखें, जिससे इनका जो तेल है वो साइड में आ जाए एक तरफ। तो ये तेल भी हम यूज़ कर लेंगे। आप चाहे तो रेडीमेड फ्राइड ओनियन भी आते हैं मार्केट में, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश फ्राइड ओनियन बहुत ही अच्छे लगते हैं बिरयानी में। अब इन प्याज को हम निकाल लेंगे अब्सॉर्बेंट पेपर पर, ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो भी निकल जाए।
तो इन्हें पेपर पर निकाल लेती हूँ मैं। और अब ये जो बचा हुआ तेल है इसी के अंदर हम सब्जी को भी पका लेंगे, तो ये तेल वेस्ट भी नहीं होगा, साथ ही इसमें फ्राइड ओनियन का फ्लेवर है जो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये सारे मैंने पेपर पर निकाल लिए हैं प्याज, आप देख सकते हैं प्याज बहुत ही अच्छे से फ्राई हुए हुए हैं, तो इन्हें साइड में रख देते हैं। और अब हम ले लेते हैं कढ़ाई, यानी वही पैन इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें तेल पहले से ही है तो हम तेल और नहीं डालेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी ताकि टेस्ट है वो और भी अच्छा है। घी के मेल्ट होते ही इसमें सारे बचे हुए खड़े मसाले डालेंगे। अब खड़े मसालों को भी हम मीडियम फ्लेम रखते हुए अच्छे से भून लेते हैं। जैसे ही खड़े मसाले भूनते हैं इनमें बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है। अब इसमें प्याज भी डाल देंगे और पहले प्याज को थोड़ा पका लेंगे और फिर इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च डालेंगे। तो ये प्याज को कुछ सेकंड के लिए मैंने पहले पका लिया है और अब इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और बारीक कटी हुई हरी मिर्च, इन्हें भी पका लेते हैं। आप देख सकते हैं घी डालने से इसमें काफ़ी बबल्स आ गए हैं, यदि आप तेल में पकाते हैं तो इसमें बबल्स नहीं आते हैं, और यदि मक्खन और घी का इस्तेमाल करते हैं तो इनमें बबल्स आ जाते हैं। अब इसमें गैस का फ्लेम लो करके धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, साथ में डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर और आप डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। तो सारे मसालों को भी पका लेते हैं। गैस का फ्लेम जैसा कि मैंने बताया लो रखा है ताकि मसाले जले नहीं, या आप बंद कर सकते हैं गैस का फ्लेम थोड़ी देर के लिए, तो मसालों को भी अच्छे से पका लेते हैं जैसे मसाले जलेंगे भी नहीं और अच्छे से पक भी जाएंगे। तो मसाले पकने के बाद इसके अंदर हम सारी कटी हुई सब्जियाँ डाल देंगे। सब्जियों को आप बहुत ज़्यादा बारीक ना काटें, इन्हें थोड़ा बड़ा ही रखें। अब इसमें स्वादानुसार नमक भी डाल देंगे। सारी सब्जियों को मिक्स कर लेंगे मसाले के अंदर। अब हम सब्जी को पकाएंगे, तो चावल की तरह हम सब्जी को भी लगभग 80% ही कुक करेंगे, इससे ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। तो 3/4 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है और आप देख सकते हैं पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बस सब्जियां थोड़ी पक जाएं इतनी क्वांटिटी डालें पानी की। सब्जी अब आधे से ज़्यादा पक चुकी है लेकिन ये बहुत ज़्यादा गली भी नहीं है। हमने अभी तक इसमें दही का इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने दही पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि खटाई की वजह से सब्जी पक नहीं पाती है जल्दी से, इसलिए हम दही का इस्तेमाल सब्जी को थोड़ा पकाने के बाद करेंगे। तो अब इसके अंदर हम दही डाल देंगे। तो दही डालते समय गैस का फ्लेम लो ही रखें ताकि दही अंदर जाते ही फटे नहीं। और साथ ही डाल देंगे अब इसके अंदर गरम मसाला, और यदि आप बिरयानी मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसी वक्त इसमें बिरयानी मसाला भी डाल दें। और अब इसे 1-2 मिनट के लिए और पका लेंगे क्योंकि सब्जी है वो लगभग 50% पक गई है और हमें इसे 80% ही पकाना है, तो इसके अंदर का जो पानी है वो भी जल जाए और सब्जी है वो अच्छे से कुक भी हो जाए, तब तक हम इसे और पका लेंगे। तो सब्जी ये अच्छे से पक गई है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं हुई है और जो अंदर का पानी है वो भी जल गया है। तेज पत्ता हटा देते हैं इसमें से। अब इसी कढ़ाई में हम दम लगाएंगे, आप चाहें तो अलग पैन में भी इसे दम लगा सकते हैं। मैं इसी कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैं इसमें से आधी सब्जी अलग निकाल के रख दूँगी। हम इसके अंदर सब्जी की 2 लेयर बनाएंगे और चावल की 3 लेयर बनाएंगे। तो इस हिसाब से सब्जी को मैंने आधा कढ़ाई के अंदर ही रख लिया है क्योंकि नीचे वाली लेयर हमेशा सब्जी की बनाएं। और ये चावल आप देख सकते हैं अच्छे से ठंडे हो चुके हैं और ये बहुत ही खिले खिले भी हो गए हैं। तो अब हम चावलों की लेयर भी बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर चावलों को 3 हिस्से में डिवाइड करते हुए मिलाऊंगी। तो ये देखिए इस तरह चावलों को पूरी कढ़ाई के अंदर फैला दें अच्छे से, बाकी के चावल हम साइड में रख देंगे। तो ये 1 लेयर अब चावल की बना दी और नीचे सब्जी की लेयर है। तो अब इसके ऊपर यानी चावलों के ऊपर हम डालेंगे केसर का दूध। केसर को मैंने दूध में भिगो दिया था। केसर का दूध डालने से एक तो अच्छा कलर भी मिलता है बिरयानी को और दूसरा बहुत ही अच्छा अरोमा और टेस्ट आता है। अब इस पर पुदीना पाउडर छिड़क देंगे और यदि आप पुदीना पत्ती इस्तेमाल कर रहे हैं तो पुदीना पत्ती भी इस पर छिड़क दें। तो ये धनिया पत्ती छिड़क देंगे अब। तो अब जो सारी चीज़ें हमने ली हैं वो डालते जाएंगे। अब ये फ्राइड ओनियन डाल देंगे, साथ ही इसके ऊपर हम डाल देंगे घी, तो घी से बहुत ही अच्छा टेस्ट मिलेगा इस बिरयानी को। तो अब ये 1 लेयर बन चुकी है। अब दोबारा चावलों की हम 1 लेयर बनाएंगे। तो इस तरह चावलों को फैला दें, तो आप इसे हाथ से ही डालें ताकि अच्छे से फैल जाएं चारों तरफ एक समान। अब चावल की 2री लेयर बनाने के बाद हम इसके ऊपर बची हुई सब्जी की लेयर भी बना देंगे। तो जब भी आप बिरयानी बनाएं तो आप चाहिए 4 या 5 जितनी भी लेयर बनाएं, तो यदि आप चावल की 5 लेयर बना रहे हैं तो आप सब्जी की 4 लेयर ही बनाएं। तो इससे क्या होगा कि सब्जी का टेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं आएगा बिरयानी के अंदर
और सारे फ्लेवर्स बहुत अच्छे से आएंगे, नहीं तो सब्जी का टेस्ट वो ज़्यादा आएगा बिरयानी में। अब बचे हुए चावलों के लेयर बना देंगे, फैला देंगे इसे अच्छे से। अब हम इसमें बचे हुए सारे इंग्रेडिएंट्स मिला देंगे, तो केसर का दूध मिला दें इसके अंदर। केसर के दूध को भी वैसे फैलाते हुए डालें, एक जगह ना डालें। और अब इसके ऊपर पुदीना पाउडर छिड़क देंगे, और जैसा कि मैंने बताया आप पुदीना पत्ती भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें, नहीं तो पुदीना बाकी फ्लेवर्स को नहीं आने देगा। और अब इस पर धनिया पत्ती छिड़क देंगे, देसी घी डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर लास्ट में डाल देंगे ये फ्राइड ओनियन। तो हर चीज़ आप बैलेंस करके डालें ताकि सारी चीज़ों का अच्छा फ्लेवर आए। अब इसे एक टॉवल लगाकर हम कवर कर देंगे अच्छे से। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसे कवर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसका जो लीड का पानी है वो बिरयानी में गिरने लगता है। तो पहले एक कपड़ा लगाएं और फिर इसे कवर करें, तो जो एक्स्ट्रा पानी निकलेगा बिरयानी के अंदर से वो ये कपड़ा सोख कर लेगा। तो बिरयानी को मैंने आधे घंटा लो फ्लेम पर दम लगा दिया है अच्छे से। तो अब इसे हम खोल लेते हैं, ये देखिए बिरयानी में बहुत ही अच्छा दम लगा है। जैसे ही हमने बिरयानी का कवर हटाया इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं एक बाउल में, बहुत ही अच्छी बिरयानी बनी है। और आप देख सकते हैं बिरयानी का जो एक एक चावल है वो खिला खिला सा एकदम, और बिरयानी नीचे से जली भी नहीं है, बहुत अच्छे से इसमें दम भी लग चुका है। तो ये बिरयानी को हमने एक बाउल में सर्व कर लिया है। आप देख सकते हैं बिरयानी देखने में कितनी अच्छी लग रही है, और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। चावल का एक एक दाना बहुत ही अच्छे से खिला खिला लग रहा है, ये अच्छे से पक भी गए हैं और खिले खिले भी हैं। तो बिरयानी की यही विशेषता होती है कि चावल को जब दम लगाया जाता है तो ये सारे फ्लेवर्स को अब्जॉर्ब कर लेता है और धीरे धीरे पकता है, जो आपके मुँह में जाते ही मेल्ट हो जाता है। और बिरयानी के हर बाइट में अलग अलग फ्लेवर आता है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप इस तरह से एक बार जरूर बिरयानी बना के देखें, मुझे उम्मीद है आपको ये बिरयानी की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। यदि आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और अपने सुझाव मेरे साथ जरूर शेयर करें। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।